ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या गाइस, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड गाइस यहां पे मॉडल की जो शर्ट का कलर है वो वाइट है, अभी इसमें हमें ब्लैक कलर भी एक साइड में डालेंगे, तो गाइस कैसे डालना वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना ठीक है। तो अभी इसमें कुछ पार्ट है जो मतलब मुझे इरेज नहीं हुए अभी, तो मैं उनको फटाफट इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको आगे क्या कर रहे हैं। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ अभी शेडो भी डालनी है, तो शेडो डालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो में, एंड ऐसे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना है। एंड इसके बाद इसको मूव डाउन कर देना है। एंड इरेजर टूल में जाकर आपको इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज इंक्रीज करके ओपेसिटी हार्डनेस कम करके एंड आपको जो कुछ इस तरीके से हमें पेंट करना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपको शेडो चाहिए होगी आपको वहाँ वहाँ पे पेंट कर देना है इस तरीके से। एंड गाइस जब आप शेडो यहाँ पे बनाओगे तो गाइस आपका जो मॉडल है ना थोड़ा वाइट वाइट सा रहेगा, मतलब आपके मॉडल के ऊपर, तो गाइस वो जो है शेडो से भी मैच नहीं होगा। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे जो है अपने एक मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है एंड उसको सेम साइज में वैसे ही रख देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है उस मॉडल के साथ, आपको उसको यहाँ से लेके चलना है, इरेजर टूल में नहीं, आपको यहाँ से लेके चलना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको यहाँ पे अमाउंट का जीरो करके डन कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना है इरेजर टूल में, आपको इसको फिर क्या करना है, आपको इरेजर लेना है। इरेजर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है इसको इन्वर्ट कर लो या फिर ऐसे इरेज कर लो, एक ही बात है ठीक है, तो आप कर लेना। देन उसके बाद आपको ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद जो आपको साइज यहाँ पे थोड़ा छोटा करना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है हल्का हल्का। एंड उसके बाद फोटो को जूम करके आपको जो यहाँ पे नीचे की साइड में पेंट करना है इस तरीके से ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो मॉडल है वो शेडो से मैच हो जाएगा ठीक है। तो बाकी गाइस जो मैंने पहले इरेज किया था वो भी पेंट हो गया यहाँ पे, तो गाइस उसको मैं इरेज कर लेता हूँ ठीक है। बाकी आपको भी यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या है ना जो पहले इरेज होता था ना फिर इरेज करते पेंट करते वक्त वो भी पेंट हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना, अब गाइस जाती बारी हमारी मॉडल के ऊपर जो है हमें मतलब वो डालने की, ब्लैक डार्कनेस डालने की ठीक है, मतलब वो ब्लैक ब्लैक करने की शर्ट को ठीक है। तो वो कैसे करना आप सभी को, आपको यहाँ पे देखिए गाइस, पहले आपको यहाँ पे अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है ठीक है, सेम सी चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे डुप्लीकेट करना है मॉडल का। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल को सेम साइज़ में रख देना वैसे जैसे था, फिर उसके बाद आपको अपने मॉडल को यहाँ लेके चले जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में ठीक है। पहले यहाँ से आप मतलब कि एडजस्टमेंट अगर चाहो तो आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हो, बट इतना खास तरीके से यहाँ से होता नहीं एडजस्ट ठीक है। तो बाकी आप इसका सैचुरेशन यहाँ पे माइनस रखना, देन उसके बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना यहाँ पे इफेक्ट में जाके, एंड उसके बाद आपको कर देना है डन ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, इन्वर्ट कर देना इन सबको ठीक है, जो जो पेंट यहाँ पे हो चुका है उन सबको पहले इरेज कर लेना अच्छे से। देन उसके बाद हार्डनेस एकदम फुली रखना, फिर उसके बाद आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे आपको शर्ट अपनी ब्लैक रखनी है वहाँ वहाँ पे आपको सिंपली इसे पेंट कर देना है ठीक है। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है।
सो गाइस आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे देखिए आपको ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है। सब पेंट करने के बाद देखिए मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे एकदम ब्लैक कर लिया यहाँ पे शर्ट को, ठीक है। बाकी गाइस अगर आप इसके लिए आप डिटेल में वीडियो चाहते हो कि मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाऊँ तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो। बाकी आपको इतना कर देने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिंपली यहाँ पे अभी आपको डन कर लेना फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी और जो PNG वो कैसे लगाना वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले करना, आपको यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को डन करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से आपको जो वोल्फ था उसका PNG लेना है, ठीक है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, तो आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फुल स्क्रीन करना है, नहीं ऑटोमेटिकली जो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना, आपको सिंपली डन कर देना है, एंड इसको डन कर देने के बाद जो है आप सभी को अब यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना लाइट रूम में आप, क्योंकि गाइस रीटच करके हम इस फोटो को और भी बॉम बनाएंगे, तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं फिलहाल के लिए। एंड इसको सेव करने के बाद आपको लाइट रूम मैप ओपन करना है, लाइट रूम मैप पर फोटो को ऐड करके एंड आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट आपको कम कर देना है, ठीक है, हल्का सा मतलब कि बढ़ा देना है, एंड जो हाईलाइट्स हैं इसको इंक्रीज़ कर देना है, शेडो जो है इसको यहाँ पे माइनस कर देना है, एंड जो वाइट है ब्लैक है जिसको कम कर देना है, ठीक है। एंड जो वाइट है इसको छेड़ना नहीं, आपको जाना है कलर्स में, फिर वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर आप थोड़ा सा कम कर लेना, मिक्स टूल में चले जाना है, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, इनके लुमिनस इसको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस आपके यहाँ पे जो जो कलर नहीं है उनका सैचुरेशन आपको बिल्कुल माइनस कर देना है। ब्लू कलर आपको अगर फोटो में नहीं चाहिए होगा तो आप इसका सैचुरेशन माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। देन आपको चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की आपको यहाँ पे क्लैरिटी इंक्रीज कर देनी है, ठीक है, हल्की सी, एंड इसको इसमें विग्नेट डालना है, ठीक है, फोटो में, एंड इसको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड फोटो में जो नोट ऑप्शन है आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नोट ऑप्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।